हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, यहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि जनरेशन ऑफ इमेज कैसा होता है, और उसी के साथ में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आई में कौन कौन से फोटोसेंसरी सेल्स होते हैं जो कि इमेज जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आई में कौन कौन से फोटोसेंसरी सेल्स होते हैं। तो आई में दो टाइप के फोटोसेंसरी सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं रॉड्स एंड कॉन, और ये बेसिकली आई के सबसे इनर मोस्ट मेम्ब्रेन में लोकेटेड होते हैं जिसको हम बोलते हैं रेटिना। ठीक है, तो आई की तीन मेम्ब्रेन है, हमने बोला आउटर मोस्ट लेयर है स्क्लेरा, मिडल कोरोइड एंड इनर रेटिना। तो रेटिना में ही यहाँ पे रॉड्स और कॉर्न सेल प्रेजेंट होते हैं, और रेटिना का हमने एक रीजन देखा था, दैट इज फोविया सेंट्रलिस। ठीक है, मैक्यूला लूटिया रीजन में, उस रीजन में बहुत ज्यादा कॉर्न सेल्स होते हैं और बहुत कम रॉड सेल्स होते हैं। ठीक है, और हमने बोला था कॉर्न सेल्स जो है वो हमारे बॉडी में डे लाइट इमेज फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो जो डे लाइट इमेज होती है, जो कि लाइट में जितनी भी इमेज हमको फॉर्म होती है वो कॉर्न सेल्स के कारण होती है, कलरफुल इमेज फॉर्म होती है। और रॉड जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, यानी डिम लाइट में, नाइट लाइट में, बहुत कम लाइट में ये जो सेल्स होते हैं रॉड, वो इमेज फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बोलते हैं दैट इज यहाँ पे दो टाइप के फोटो रिसेप्टर सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज द रॉड्स एंड द कॉन्स। ठीक है, और इनमें कुछ फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम फोटो पिगमेंट्स बोलते हैं, जिसके वजह से ये इमेज फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले अगर हम कॉन्स की बात करते हैं, तो कॉन्स हमने बोला डे लाइट इमेज यानी फोटोपिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फोटोपिक विजन क्या होता है? जिसको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो कॉन्स हमारे तभी वर्क करेंगे जब हमारे यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, हमारे सराउंडिंग मीडियम में लाइट ज्यादा होगी तभी वो लाइट अंदर एंटर करेगी और कॉन्स को स्टिम्युलेट करेगी, जिससे वो एक कलरफुल इमेज फॉर्म कर सकते हैं। तो आपने नोट किया होगा, जब लाइट होती है तो हमें काफी कलरफुल कलरफुल इमेजेस दिखाई देती है, और जब लाइट का अब्सेंस ही होती है, जब लाइट नहीं होती, तो ऐसे में हमारी जो कलरफुल इमेज देखने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी कम होती है, हमें इमेज थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट सी दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण ही है कि हमारे जो है फोटोपिक सेल्स होते हैं कॉन्स, उनको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये डे लाइट इमेज यानी फोटोपिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमने बोला, और कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं पे हम रॉड्स की अगर बात करते हैं, तो रॉड जो है वो डिम लाइट में यानी स्कोटोपिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्कोटोपिक विजन यानी नाइट विजन, जहां पे हम देखते हैं कि रात में हमें चीजें थोड़ी सी कलरलेस दिखाई देती है, बहुत ही कम कलर दिखाई देते हैं रात को, हमें ब्लैक एंड व्हाइट सी इमेज दिखाई देती है, कलर आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते प्रॉपरली। ठीक है, तो ये डिम लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रॉड्स में यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन। ठीक है, जो कि ऑप्सिन और साथ ही में रेटिनॉल से बना हुआ है। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है, इसीलिए हम बोलते हैं विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसका रीजन क्या है कि विटामिन ए से हमारा आंखों में रेटिनॉल बनता है, और रेटिनॉल जो है वो ऑप्सिन के साथ मिलकर कलर इमेज फॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रोडोप्सिन प्रोटीन होता है जो कि हम देखते हैं विटामिन ए का डेरिवेटिव है। रोडोप्सिन में दो चीजें हैं, दैट इज ऑप्सिन प्रोटीन, ठीक है, और साथ ही में यहाँ पे रेटिनॉल। ठीक है, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे रोडोप्सिन बनाते हैं, और ये विटामिन ए डेरिवेटिव, मतलब विटामिन ए डेरिवेटिव है यानी विटामिन ए से बनता है। ठीक है, इसके अलावा कॉर्न्स की अगर हम बात करते हैं, तो कॉर्न्स तीन टाइप के होते हैं जो कि अलग अलग तीन टाइप के कलर पिगमेंट ये शो करते हैं, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट को ज्यादातर ये सेंस करते हैं। ठीक है, और इसके लिए ये जो तीन यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं कॉर्न्स तीन टाइप के, उनको हम कलेक्टिवली बोला जाता है, जैसे कि रेड को इरिथ्रोलैब्स बोला जाता है, ग्रीन को क्लोरोलैब्स बोला जाता है, और ब्लू को साइनोलैब्स बोला जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, बायोलॉजी में जब भी रेड कलर का हमें अनोटेशन देना है या रेड कलर के बारे में बात करनी है, देन वी विल कॉल इट एज अ इरिथ्रो। इरिथ्रो ये वर्ड हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इरिथ्रो लैब्स ये वो सेल्स है जो कि रेड कलर को सेंस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं इरिथ्रो लैब्स के बारे में, देन हम बात करेंगे क्लोरोलैब्स के बारे में, और देन साइनोलैब्स के बारे में। सो इरिथ्रो लैब्स की अगर हम बात करते हैं, इरिथ्रो लैब्स, ठीक है, ये रेड के लिए शो होते हैं, रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरे हम बोलते हैं क्लोरोलैब, ठीक है, ये जो है ग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं दैट इज साइनोलैब। साइनो का मतलब यहाँ पे ब्लू आता है, बहुत सारे आपने पढ़ाई भी होगा बायोलॉजी में बहुत बार, साइनो साइनो का मतलब यहाँ पे हम हमेशा साइनो जब वर्ड बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो इट इज रिलेटेड विद द ब्लू कलर। ठीक है, साइनोलैब्स, और ये ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तीन टाइप के यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं कॉन्स, जो कि तीन अलग अलग
कलर को शो करने में हेल्प करते हैं बॉडी में, और यही अलग अलग कॉम्बिनेशन में जो है वो डिवाइड होते हैं, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन में ये एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं और वेराइटी ऑफ कलर हमारे बॉडी में कलर इमेजेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे कलर इमेजेस जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन की वजह से इनके फॉर्म होते हैं। अगर व्हाइट कलर फॉर्म करना है, अगर व्हाइट कलर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है, तो ऐसे में ये तीनों इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, इक्वली अपना इफेक्ट शो करते हैं, जिसके वजह से व्हाइट कलर देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस फ्रॉम ड्यू टू द स्टिम्युलेशन ऑफ इक्वल स्टिम्युलेशन ऑफ इक्वल एंड साइमल्टेनियस स्टिम्युलेशन ऑफ दीज थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स। तो तीनों टाइप्स ऑफ कोन का साइमल्टेनियस और इक्वल स्टिम्युलेशन होता है, जिसके वजह से व्हाइट कलर का हमको यहाँ पे लाइट दिखाई देता है। ठीक है, अगर हमको बेसिकली कोई कलर देखना है जैसे रेड, ऑरेंज, ब्लू वगैरह, तो इस हिसाब से उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन में ये वर्क करते हैं, जिसके वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट कलर देख पाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहां से ये जो पूरा का पूरा सेंसरी सेल्स जो है, दैट इज रॉड्स एंड कॉर्न, इनसे जो स्टिम्युलेशन क्रिएट होता है, ये स्टिम्युलेशन नर्व के द्वारा अभी हमारे ब्रेन के पास जाता है, और ये जो नर्व निकलती है, जो आंख से जो नर्व ब्रेन के पास जाती है, उस नर्व को हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिक नर्व बेसिकली नर्व फाइबर से बनी होती है, जो कि बेसिकली गैंग्लियॉन से रिलीज होती है। तो अगर आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, इसमें ये जो लास्ट सेल्स है, ये गैंग्लियॉन सेल है, और गैंग्लियॉन सेल से यहां से ये नर्व फाइबर, बहुत सारे नर्व फाइबर रन कर रहे हैं, और ये नर्व फाइबर एक ऑप्टिक नर्व फॉर्म करते हैं, और ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन के, ऑप्टिक नर्व जो है वो हमारे ब्रेन के कौन से हिस्से में जाती है, हमने बोला ऑसिपिटल लोब में जाती है। ठीक है, सो ब्रेन तक ये ऑप्टिक नर्व जाती है, मेनली ऑसिपिटल लोब में जाती है। सो इट इज गोइंग इन टू द ब्रेन, ब्रेन के कौन से रीजन में, ऑसिपिटल रीजन में, जहां पे हमारे बॉडी में विजन फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ इमेज के बारे में, कि किस तरीके से इमेज जनरेट होती है। तो लाइट रेज हम देखते हैं पास होते हैं थ्रू कंजंक्टिवा टू द कॉर्निया, कॉर्निया से प्यूपिल, प्यूपिल जो छोटी गैप होती है आयरिस के बीच में, प्यूपिल से होते हुए अब ये जाते हैं लेंस पे, और लेंस से होते हुए फोकस होते हैं रेटिना पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फाइनली सबसे पहले लाइट रेज जो आती है वो आई के कंजंक्टिवा से एंटर करती है, कॉर्निया को टकराती है, कॉर्निया से होते हुए प्यूपिल में जाती है, प्यूपिल में जो गैप होती है उससे पास होती है, लेंस पे जाती है, लेंस से रिफ्लेक्ट होके वो जाती है रेटिना पे, और रेटिना पे वो फोटोसेंसरी सेल को स्टिम्युलेट करती है, जिससे कि नर्व इंपल्स जनरेट होता है। नर्व इंपल्स जनरेट होता है तो अब ये नर्व इंपल्स फोटोसेंसरी सेल से बाइपोलर न्यूरॉन में जाता है। ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन से अब ये इंपल्स गैंग्लियॉन सेल से जाता है, और गैंग्लियॉन सेल से होते हुए वो नर्व, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है, ब्रेन में उसका एनालिसिस होता है, और फिर एक इमेज जनरेट होती है। ठीक है, तो अगर हम ये डायग्राम देख रहे हैं आई की, तो आई की डायग्राम के जरिए हम समझ सकते हैं सबसे पहले लाइट जो है इस एरिया में पड़ रही है लाइट। ठीक है, इस एरिया में लाइट पड़ रही है, तो लाइट जो है सबसे पहले टच करेगी किसको, दैट इज कंजंक्टिवा को, कंजंक्टिवा के बाद किसको टच करेगी, कॉर्निया को, कॉर्निया के बाद प्यूपिल से होते हुए जाएगी लेंस पे, और जैसे ही लाइट लेंस को टच करेगी, लेंस से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। जैसे अगर यहां पे हम एक ऑब्जेक्ट देखते हैं ए और बी, ठीक है, यहां से अगर लाइट जा रही है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो इस तरीके से वो टच करेगी सबसे पहले किसको, कंजंक्टिवा को, फिर उसके बाद टच करेगी हमारे कॉर्निया को, कॉर्निया के बाद एंटर करेगी प्यूपिल से होते हुए, प्यूपिल से होते हुए जैसे ही वो लेंस को टच करेगी लाइट, लेंस से वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख के रेटिना पे ड्रॉप होगी, तो रेटिना पे अगर हम ए यहाँ पे ऊपर की तरफ देख रहे थे, तो यहाँ पे अब ए नीचे की तरफ आएगा और बी ऊपर की तरफ आएगा, तो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। हमारे रेटिना पे कभी भी इमेज जो है सीधी फॉर्म नहीं होती, उल्टी फॉर्म होती है, उल्टी यानी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो वो इन्वर्टेड इमेज का सिग्नल अब ब्रेन में जाता है, ब्रेन में उसका एनालिसिस होता है, और वो इन्वर्टेड इमेज फिर से सीधी हमें दिखाई देती है, समझ में आती है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बुक में ये नहीं लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे आई में जो इमेज फॉर्म होती है, अगर आप किसी चीज को ऐसा देख रहे हो सीधा, तो वो आंख में जाने के बाद जब वो लेंस से टकराती है, तो वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसके वजह से इमेज ऐसे इन्वर्टेड दिखाई देती है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है रेटिना पे। लेकिन फिर वो सिग्नल न्यूरॉन्स के जरिए, या हम देखते हैं नर्व फाइबर के जरिए, जब जाता है इनटू द ऑसिपिटल लोब, वहां पे उसका एनालिसिस होता है, तब वो जो इमेज है वो फिर से हमें सीधी दिखाई देती है। तो हम जो भी देखते हैं हमें सीधा दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली हमारे आई में जो इमेज फॉर्म हो रही है रेटिना पे, वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है,
सो नेक्स्ट हम यहाँ पे एक टेबल देखते हैं। इस टेबल में पूरा क्लियरली हमें बताया किस तरीके से इंपल्स जनरेट होता है। तो सबसे पहले इंपल्स जनरेट होता है कैसे, चेंजेस इन द रेटिना व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन इट। तो रेटिना में हम देखते हैं लाइट रेज फॉल होते हैं कैसे, बाहर से जो है लाइट जो है पास हो रही है फ्रॉम द प्यूपिल, प्यूपिल से लेंस पे, लेंस पे से रेटिना पे, ठीक है। जैसे ही रेटिना पे लाइट हिट करती है, वैसे दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं टेबल में, द नेक्स्ट पॉइंट जिसमें हम देखते हैं लाइट फॉल्स ऑन द रॉड्स एंड द कॉर्न सेल्स ऑफ द रेटिना। तो राइट, अभी रॉड्स और कॉर्न सेल्स पे फॉर्म होती है रेटिना के, ठीक है, और रॉड्स और कॉर्न सेल्स स्टिम्यूलेट होते हैं, ठीक है। सो ब्रेकिंग अप द लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स बाय स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो जब रॉड सेल्स पे और कॉर्न सेल्स पे वो लाइट हिट करती है तो रॉड सेल में जो प्रोटीन होता है दैट इज रोडोप्सिन, और कॉर्न सेल में भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्सिन प्रोटीन होते हैं रेटिनॉल के कांटेक्ट में, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये ब्रेक होते हैं, ठीक है। जैसे रॉड सेल में रोडोप्सिन होता है, वो रोडोप्सिन में से ऑप्सिन अलग हो जाता है, रेटिनॉल अलग हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों प्रोटीन ये ब्रेक हो जाते हैं, ऑप्सिन एंड रेटिनॉल, मतलब रोडोप्सिन ब्रेक हो जाता है, तो एक इंपल्स जनरेट होता है, एक स्टिम्युलस जनरेट होता है, और वो स्टिम्युलस अब ट्रेवल करता है बाइपोलर न्यूरोन में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमने देखा कि चेंजेस आए रेटिना में, रेटिना में जैसे ही लाइट हिट की तो यहाँ पे लाइट कॉन्टेक्ट में आई रॉड्स और कॉर्न सेल्स के, और रॉड सेल्स और कॉर्न सेल्स के जो प्रोटीन होते हैं वो ब्रेक होते हैं बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वजह से वो प्रोटीन ब्रेक हो गए। अब प्रोटीन ब्रेक हो गए तो अब स्टिम्युलेशन हुआ रॉड्स और कॉर्न सेल्स में और एक इंपल्स जनरेट हुआ, ठीक है। यही इंपल्स आगे जाके नर्व इंपल्स अब ट्रांसमिट होता है बाइपोलर नर्व सेल यानी बाइपोलर न्यूरॉन में। तो ये रॉड्स और कॉर्न सेल्स है हमारे नीचे, आप देख रहे हो ये रॉड्स और कॉर्न सेल्स है, इनमें हम देखते हैं लाइट इधर से पास हुई, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन से लाइट पास हुई। तो जैसे ही रॉड्स और कॉर्न सेल्स ने इफेक्ट दिया, जैसे ही रॉड सेल में से जो प्रोटीन है रोडोप्सिन वो ब्रेक हुआ, कॉर्न सेल्स के प्रोटीन ब्रेक हुए, तो एक इंपल्स जनरेट हुआ और ये इंपल्स अब गया कहां पे, दैट इज बाइपोलर न्यूरॉन में गया, ठीक है। अब बाइपोलर न्यूरॉन में से ये नर्व इंपल्स जो है वो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होता है अब गैंग्लियोनेटेड न्यूरॉन में, ठीक है, यानी गैंग्लियन नर्व सेल में। तो अब ये गैंग्लियन नर्व सेल में गया, अब गैंग्लियन नर्व सेल से वो नर्व से होते हुए अब ऑप्टिक नर्व में जाएगा। सो नर्व इंपल्स इन द एक्सॉन ऑफ गैंग्लियन सेल कन्वर्ज एंड लीव्स वाया द ऑप्टिक नर्व। तो नर्व इंपल्स अब क्या हुआ, ऑप्टिक नर्व के जरिए जो है वो लीव करता है आई से, यानी ऑप्टिक नर्व आंख से जो भी इंपल्स है वो लेके जाती है कहां पे, ब्रेन में। नाउ नर्व इंपल्स अब ट्रांसमिट हुआ बाय ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन, तो ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में कौन से पार्ट में, ऑसिपिटल लोब में, विजन वाले लोब में, ठीक है। और ऑसिपिटल लोब में इसका परसेप्शन होता है इमेज का, जो इन्वर्टेड इमेज आई में फॉर्म हुई थी उसको फिर से सीधी बना के हमारे ब्रेन को यानी एक सिग्नल दिया जाता है कि भाई तुम ये देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से एक परसेप्शन होता है इमेज का बाय ब्रेन सेल, ठीक है, इन द विजुअल एरिया ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम का विजुअल एरिया कौन सा है, ऑसिपिटल लोब, वहां पे एक इमेज फॉर्म होती है और वो इमेज हमें वैसी दिखाई देती है। आप जो मुझे अभी दिखाई दे रहे हो या आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, उसका रीजन क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आप देख रहे हो वो सबसे पहले तो एक इन्वर्टेड इमेज के फॉर्म में फॉर्म हो रहा है आपके रेटिना में, बट वो जैसे ही रॉड्स और कॉर्न सेल का स्टिम्यूलस जनरेट हो रहा है तो वो स्टिम्यूलस जा रहा है कहां पे, इट इज गोइंग इनटू द नर्व, ठीक है, और नर्व से होते हुए, ऑप्टिक नर्व से होते हुए इट इज गोइंग इनटू योर ब्रेन, एंड ब्रेन में उसका एनालिसिस हो रहा है, इमेज का परसेप्शन हो रहा है, और वो इमेज फिर से आपको क्लियरली जो है सीधी इमेज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन जो है हमें कोई भी इमेज फॉर्म करने में हेल्प करता है। छोटा सा एक टॉपिक दिया है, ऑलवेज रिमेंबर दैट इज अकोमोडेशन। आपको पता होगा किसी की दूर की नजर, किसी की पास की नजर कमजोर होती है, तो उसी को बोला जाता है एकोमोडेशन। तो लाइट को सेंस करने की जो काबिलियत होती है, पास वाली लाइट, पास वाले ऑब्जेक्ट को और दूर वाले ऑब्जेक्ट को जो सेंस करने की जो काबिलियत होती है उसको हम एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एकोमोडेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन, लाइट रे फ्रॉम फार एंड नियर द ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड ऑन द रेटिना इज कॉल्ड एज एकोमोडेशन पावर ऑफ द लेंस। तो जो भी लाइट रेस बहुत दूर से आ रही है या बहुत पास से आ रही है उसको फोकस कर पाने की जो काबिलियत होती है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और दूर से उसको वो आ रहा है मेरे आंखों में, उसका इमेज आ रहा है और उसको फोकस नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो मेरा दूर का एकोमोडेशन पावर वीक है, और बहुत पास से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है और अगर उसे फोकस नहीं कर पा रहा हूं तो पास का एकोमोडेशन पावर वीक है, ठीक है। तो ऐसे किसी की दूर की और पास की नजर जो है कमजोर होती है, इट इज ड्यू टू द एकोमोडेशन पावर, ठीक है। और ये एकोमोडेशन पावर का भी हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे अब लास्ट में इंटरनेट माई फ्रेंड में कुछ क्वेश्चन पूछे है कि आई डोनेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है आई डोनेशन से रिलेटेड कि कोई एज लिमिट है या नहीं है, ठीक है, और कौन आई डोनेट कर सकता है, कौन नहीं डोनेट कर सकता है, फैक्ट्स अबाउट आई डोनेशन। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे इंटरनेट माय फ्रेंड यानी इंटरनेट पे ढूंढनी है, ठीक है। आई होप ये चीजें आप ढूंढ लेंगे, बहुत ही इजी है, मैंने ढूंढी है, बहुत ही
इजीली इसके आंसर मिल चुके हैं। आप भी ढूंढिए, आपको भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए। यहाँ पे हमारा वीडियो लेक्चर अब पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए और खुश रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।